हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू WsCube टेक। मैं आशीष कुमार इस बार आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ कंप्लीट नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट, जिसके जरिए आप नेटवर्किंग को अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि आपकी मदद करेगी एथिकल हैकिंग में। सो यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को देखने से पहले बता दूँ, बेसिकली एथिकल हैकिंग का बेसिक और एडवांस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। आप में से कोई भी इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहता है तो नीचे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रही होगी। अगर किसी भी रीज़न से आपका कॉल कनेक्ट नहीं होता है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म के जरिए आप अपने किसी भी फेवरेट कोर्स में एनरोल हो सकते हैं या अपनी क्वेरीज दूर कर सकते हैं। सो मिलते हैं इन क्लास फ्यूचर एथिकल हैकर्स, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि WsCube Tech इस बार आप सभी की डिमांड पे आप लोगों के लिए लेके आया है एथिकल हैकिंग कोर्स, जहाँ पे मैं आशीष कुमार आप लोगों को बेसिक नेटवर्किंग से लेकर कंप्लीट एथिकल हैकिंग एडवांस तक सब कुछ सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो बेसिक पार्ट है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। नेटवर्किंग क्या होता है, आज हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज आप टोटल 5 चीज़ें सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ इट वर्क्स, What are the types of networks? What is IP address and their types? And role of ports in networking? ये 5 चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, What is computer networking? तो आइए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखते हुए हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो डिवाइस या कोई भी दो एंटिटीज एक दूसरे से कम्युनिकेट, बात करती है, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन करती है, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से किसी भी सोर्स के जरिए कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर फाइल कुछ भी शेयर करता है, उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। ये काम कैसे करती है, इसमें क्या क्या होता है, आगे और चीज़ें देखेंगे अपन। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, फाइल शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब ये जो फाइल, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टोर होगी। मैंने अगर आपसे एक फाइल शेयर करी है तो वो फाइल आपके सिस्टम में सेव होगी। मैंने आपको अगर एक ऑडियो भेजा है तो ऑडियो आपके फाइल में सेव होगा। अगर एक सॉफ्टवेयर भेजा है तो वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में सेव होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी प्रिजर्व कर रहा है। एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, बेसिकली जब दो सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के जरिए करते हैं। वो TCP, UDP, HTTP किसी भी प्रोटोकॉल के जरिए जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि वो जो उनका डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसफ़र हो और वो सिक्योरली स्टोर भी हो। तो सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड हो रही है, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर तो हो ही रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, एंड शेयरिंग ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमें सारी चीज़ें मिल रही है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली दो सिस्टम्स के बीच में जब कम्युनिकेट करना है तो उस कम्युनिकेशन को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। वो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस, वो रूल्स रेगुलेशन जो भी चीज़ें फॉलो हो रही है उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है, नेटवर्किंग काम कैसे करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से समझेगा। बिकॉज एथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे तो हमें नेटवर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। पहली एंटिटी जो हमें समझनी है वो ISP। ISP क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो, एयरटेल, BSNL और जितने भी अदर नेटवर्क्स है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको ISP कहा जाता है। आप लोग अपने घर में किसी ना किसी ISP का इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे। आपके घर में या तो एयरटेल का ब्रॉडबैंड होगा या जियो का होगा या किसी अदर सर्विस BSNL का होगा। तो ISP करता क्या है, बेसिकली ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो एक ब्रॉडबैंड को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और ये ब्रॉडबैंड जो है, बेसिकली ये ब्रॉडबैंड हम लोगों को नेट प्रोवाइड करता है। जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उसके पास नेट कहाँ से जा रहा है, ब्रॉडबैंड से जा रहा है। अब इन दोनों के बीच के प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझते हैं कि ये ISP और ब्रॉडबैंड में जब ये कम्युनिकेशन सेट हो रहा है, जब ISP ब्रॉडबैंड को नेट प्रोवाइड कर रहा है तब तो उसको क्या मिल रहा है। IP के बारे में क्या पता है आपको, IP क्या होता है, IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये एड्रेस कब प्रोवाइड करा जाता है, ये एड्रेस तब मिलता है जब एक सिस्टम के पास इंटरनेट प्रोवाइड हो जाता है। जैसे ही एक सिस्टम में इंटरनेट आता है उसको एक IP अलॉट हो जाती है, जो कि उसका वाइड एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क में उसका एड्रेस होता है। और वो एड्रेस तभी उसको मिलेगा जब उसके पास इंटरनेट आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम कि जैसे ही ISP ने इस ब्रॉडबैंड को नेट दिया, उसी वक्त इस ब्रॉडबैंड के पास एक IP अलॉट हो गई, इसकी पब्लिक IP जो कि है 8210250.19। ये IP इस ब्रॉडबैंड को कब अलॉट हुई, जब ISP ने इसको इंटरनेट प्रोवाइड किया। नाउ जैसे ही इसके पास इंटरनेट आया, इसके पास एक पब्लिक IP और एक प्राइवेट IP है 192.168.0.1 जो कि पहले से थी इसके पास। बट अब ये आगे काम क्या करेगा, इसके पास इंटरनेट आ गया है, इसके पास एक पब्लिक IP आ गई है और इससे अब कुछ डिवाइस कनेक्ट हुए हैं, वायर्ड हुए हो चाहे वायरलेस हुए हो। यहाँ पे एक वायरलेस डिवाइस है, बाकी सारे वायर्ड डिवाइसेज है।
तो ये जो डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं इससे, इन सारे डिवाइसेस को ये बेसिकली नेट प्रोवाइड कर रहा है, और नेट के साथ साथ हर एक को आईपी भी अलॉट करेगा। बट आईपी किस बेसिस पर अलॉट होगी? आईपी अलॉट होगी इस प्राइवेट आईपी डिफॉल्ट गेटवे के जरिए, जो कि है 192.168.0.1। तो जो भी आईपी इन सिस्टम्स को अलॉट होगी वो 0.1 के बाद की होगी। ये ऐसे ही डिफॉल्ट गेटवे हमारा काम करता है। डिफॉल्ट गेटवे जो होता है वो पहली आईपी सिस्टम का जो राउटर होता है उसकी होती है, और उसके बाद की जितनी भी आईपीज होती है वो सारी राउटर असाइन करता है हर सिस्टम को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे हमारे सिस्टम की 102 है, इस सिस्टम की 100 है, सिस्टम की 10 है, प्ले स्टेशन है जो कि। सो बेसिकली एक राउटर इन सबको आईपीज प्रोवाइड कर रहा है, बट ये जो आईपी प्रोवाइड कर रहा है ये सारी आईपी प्राइवेट आईपीज है। ये जो जितनी भी आईपीज आपको दिख रही है प्राइवेट आईपी है, इनका वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट वर्ल्ड में कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई नहीं जानता कि ये आईपी सिस्टम के पास है या फिर ये आईपी सिस्टम को बिलोंग कर रही है। ये कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि जो भी आईपी इंटरनेट पे जा रही है वो पब्लिक आईपी जाएगी, प्राइवेट आईपी नहीं जाएगी, क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क की है। ये आईपी बस इस एरिया में सीमित है, इस एरिया के बाहर इस आईपी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन किस आईपी की है? इस पब्लिक आईपी की, जो कि इस आईएसपी ने इसको दी है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए इस कंप्यूटर को गूगल एक्सेस करना है, इसने लिखा google.com। जैसे ही इसने गूगल एक्सेस करने की रिक्वेस्ट जनरेट करी, इसने अपने ब्राउजर में बस सर्च करा google.com, देन एक पैकेट जनरेट होके कहाँ आएगा? हमारे राउटर के पास। फिर हमारा राउटर क्या करेगा? राउटर इस पैकेट को इंटरनेट पर फॉरवर्ड करेगा। तो राउटर ने इस पैकेट को इंटरनेट पर फॉरवर्ड करा। अब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के बारे में कुछ समझते हैं क्या होता है। जिस सिस्टम से कोई पैकेट जनरेट होके जा रहा होता है उसको सोर्स आईपी कहते हैं। यहाँ से यानी यहाँ से ये पैकेट जनरेट हुआ है, यहाँ से ये निकला है। डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है? जिस डेस्टिनेशन पे वो पैकेट जा रहा है, यानी यहाँ से अगर इस राउटर ने एक पैकेट जनरेट किया गूगल सर्वर की तरफ कि हमें आपकी साइट को एक्सेस करना है, तो सोर्स आईपी थी राउटर की एंड डेस्टिनेशन आईपी थी गूगल की, उस पैकेट को वहां पहुंचना था। तो ऐसे ही जैसे ही इस राउटर ने इस पैकेट को सेंड करा, तो यहाँ पे जो सोर्स आईपी है वो होगी राउटर की, और ये पैकेट सीधा जाएगा गूगल सर्वर के पास उसकी आईपी से पिंग होके, जो अपन आगे समझेंगे। और गूगल सर्वर दो ही रिस्पांस देगा, या तो वो बोलेगा आप मेरी साइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो, या फिर वो बोलेगा आप एक्सेस कर सकते हो। दोनों ही केस में वो एक रिस्पांस जनरेट करेगा यानी एक रिप्लाई देगा, उस रिप्लाई को रिस्पांस कहते हैं। तो जैसे ही वो रिस्पांस जनरेट करेगा तो रिस्पांस किस आईपी पाएगा? क्या वो इस सिस्टम की आईपी पाएगा 102 पे? नहीं, वो आएगा राउटर की आईपी पे, जस्ट बिकॉज उस राउटर की आईपी थी सोर्स आईपी। जो आईपी वहां गई है गूगल सर्वर के पास वो ये आईपी थी, तो जो रिस्पांस आएगी वो रिस्पांस भी इसी राउटर के पास आएगी। इस राउटर को रिस्पांस मिली। नाउ राउटर एक और अच्छा काम करता है जिसको हमें समझना जरूरी है। राउटर हर कुछ सेकंड्स में कुछ एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ये एआरपी रिक्वेस्ट होती क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करती है? ये कंफर्म करती है कि इसके पास कितने सिस्टम कनेक्टेड है और उन सारे सिस्टम्स की आईपी क्या है। ये पूछती है हु इज 102, यानी एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कि बोलेगी हु इज 192.168.0.102। ये सारे सिस्टम्स के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, एंड ये सिस्टम जो है ये बोलेगा कि मैं हूं 102। जैसे ही ये रिप्लाई देगा मैं हूं 102, ये अपने रिकॉर्ड में उसको अपडेट करेगी, और वो जो रिस्पांस आई थी वो रिस्पांस इसको शेयर करेगी। और ऐसे ही करके हम हमारा जो ऑल ओवर नेटवर्किंग काम करती है, इनमें से वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, भले ही इस वायरलेस डिवाइस ने गूगल एक्सेस करने की परमिशन मांगी, बट जो आईपी जाएगी वो पब्लिक आईपी जाएगी राउटर की, एंड जो रिस्पांस आएगा वो राउटर के पास ही आएगा। देन राउटर सबसे एआरपी रिक्वेस्ट शेयर करके जिसकी वो आईपी होगी, जिसके लिए वो रिस्पांस आई है, उसको शेयर कर देगा। तो ऐसे हमारे जो नेटवर्किंग है ये काम करती है। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं? नेटवर्किंग में 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में नेटवर्क को डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं इनके अंदर क्या है। सबसे पहले हमारे पास है लैन। व्हाट इज लैन? लैन क्या होता है? लैन होता है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक राउटर है, जो कि अभी हमने समझा था कि एक राउटर से कुछ सिस्टम कनेक्टेड है। 10 सिस्टम होंगे, 5 सिस्टम होंगे, जितने भी सिस्टम वाईफाई में हो चाहे वायर्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक राउटर के अंदर जितने सिस्टम कनेक्टेड है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं ये राउटर है, इस राउटर ने यहाँ पे इन सिस्टम्स को कनेक्ट कर रखा है। इस राउटर से कितने सिस्टम कनेक्टेड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिस्टम कनेक्टेड है। तो अगर एक स्मॉल एरिया नेटवर्क है, ये प्रॉपर लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा,
तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको हम लैन कहते हैं, यानी कि स्मॉल एरिया में जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है उसको हम लैन कहेंगे। नाउ सेकंड इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है, व्हाट इज मैन? मैन बेसिकली जब एक राउटर या ब्रॉडबैंड या हम जो भी सर्विस यूज ले रहे हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े स्टेज पे जब उसको यूज में ले रहे हैं, यानी यहाँ ये जो नेटवर्क है ये इन घरों में भी प्रोवाइड हो रहा है, इन कंपनीज में और इनके सर्वर्स में भी प्रोवाइड हो रहा है। तो ये आसपास के काफी एरियाज में अगर नेट प्रोवाइड हो रहा है, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े स्टेज पे जब नेटवर्क शेयर होता है तो उसको मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड है हमारे पास वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, हम सब वाइड एरिया नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट जो एक बहुत बड़े स्टेज पे होता है, हमारा जो ISP है ऑल ओवर कंट्री में नेट प्रोवाइड करा रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क है। WWW वाइड एरिया नेटवर्क है। सो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क क्या काम कर रहा है, एक जो राउटर है वो कई कंट्रीज में अलग अलग डिवाइसेस में सबको नेट प्रोवाइड कर रहा है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है IP एड्रेस क्या होता है। हमने अभी पब्लिक IP देखी और कुछ प्राइवेट IPs देखी, डिफॉल्ट गेटवे को देखा कि वो प्राइवेट IPs ही होती है, इसको और अच्छे से हम अभी समझेंगे। फिलहाल एक IPv4 क्या है, क्या होती है IPv4 और ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है वो समझेंगे। सो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट थिंग, ये 4 पेयर्स के डिजिट्स होते हैं, यहाँ पे हर पेयर के पास 8 बिट्स होती है, यानी 1 बाइट हर पेयर के पास 8 बिट है। टोटल जो हो जाएगी हमारे पास वो है 32 बिट्स, यानी 4 बाइट्स। सो एक आईपी टोटल 4 बाइट्स की होती है। अब इस आईपी के बारे में कुछ अपन चीजें समझते हैं कि ये जो आईपी के स्लॉट्स है ये ऐसे ही नहीं है, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ, ये आप लोगों के लिए कुछ नया होगा, इसको अच्छे से समझते हैं, आइए देखते हैं। ये जो इसका पहला पेयर है, ये पेयर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये पेयर हमें बताता है कि ये आईपी किस कंट्री से है, यानी ये पेयर हमें बताएगा कि ये इंडिया से है या किसी अदर कंट्री की आईपी है। सेकंड पेयर हमें क्या बताता है, सेकंड पेयर हमें बताता है कि इसका स्टेट क्या है। एंड थर्ड पेयर हमें बताता है कि ISP कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यानी हमें ये बता रहा है कि किस कंट्री की किस स्टेट में कौन सा जो ISP का जो वहां का ऑफिस होगा, जो हमें जिसने IP अलॉट करी है वो ऑफिस कहाँ पे, ये लोकेशन बताती है IP हमें। जैसा हमारा आधार कार्ड का एड्रेस होता है वो हमारे घर की इन्फॉर्मेशन देगा, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, वैसे ही एक IP भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेके चलती है, जो हम स्कैनिंग में देखेंगे कि हम एक IP से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों इन्फॉर्मेशन के बाद जो हमारा फोर्थ पेयर है वो हमें बताता है कि डिवाइस कौन सा है। अब ये काम होता कैसे और क्या काम होता है इसको भी समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी साइट को एक्सेस करा, या एक क्रिमिनल ने साइबर फ्रॉड करा है, तो अगर उसने किसी साइट को एक्सेस करा था तो वहां उसकी IP रिकॉर्ड हो जाती है लॉक्स फाइल के अंदर। और लॉक्स फाइल के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है कि उसने क्या चलाया है, उसकी IP क्या थी और किस टाइम पे यूज किया उसने उसे। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन उसके पास स्टोर हो जाती है। और जो हमारी साइबर टीम होती है वो क्या करती है, वो उस IP के जरिए उस ISP तक पहुंच जाती है, उस कंट्री के उस स्टेट में उस ISP ऑफिस तक पहुंचती है और वहां जाके क्वेरी करती है कि इस टाइम पे ये IP किस सिस्टम के पास थी। देन उन्हें पता पड़ता है कि ये IP इस सिस्टम के पास थी जिसका MAC एड्रेस ये है, और उसके जरिए वो उस सिस्टम तक पहुंचते हैं। तो ऐसे हमारी IP हमारी काफी सारी इन्फॉर्मेशन रखती है। आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं, IPv4 IPv6 में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। IPv4 के बारे में जो कि हमने समझा, ये एक IPv4 वर्जन है जिसके अंदर टोटल 32 बिट्स के नंबर्स हमें मिलते हैं, जिसके अंदर एड्रेसिंग फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है 192.159.252.76। इसमें प्रीफिक्स नोटेशन जो है वो बेसिकली इसकी स्टार्टिंग जो IP होती है, जो कंट्री और स्टेट है वो फिक्स रहता है, देन ISP उसके हिसाब से चेंज होता है, कंट्री के हिसाब से जो फर्स्ट पेयर है चेंज होगा एंड स्टेट के हिसाब से सेकंड पेयर चेंज होगा। नंबर्स ऑफ एड्रेसेस कितने बन सकते हैं, इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, IPv4 कितने सिस्टम्स को अलॉट करी जा सकती है। तो ये है 2 की पावर 32, यानी 4.7 बिलियन एड्रेसेस, 4.7 बिलियन एड्रेसेस एक IPv4 जनरेट कर सकता है, यानी टोटल 4.7 बिलियन डिवाइसेस को IP अलॉट करी जा सकती है। बट ये आज के यूज के हिसाब से बहुत कम पड़ गई है, आज के यूज के हिसाब से बहुत सारे लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं, बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट पे हैं, तो इतने सारे डिवाइसेस को IP अलॉट करना मुश्किल होता जा रहा है। और स्टैटिक IP की अपन बात करें, जिसके बारे में अपन आगे समझेंगे, तो वो और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सो उस केस में हमने IPv6 को इंट्रोड्यूस करा। IPv6 IPv4 का ही अपडेटेड वर्जन है जिसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें हैं, वो क्या है समझते हैं। IPv6 में टोटल 128 बिट नंबर्स हैं एंड
इसका जो नोटेशन है ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। और इसकी खास बात है कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बहुत ज्यादा है। कितने ज्यादा है? वो 2 की पावर 128 है, यानी 340 ट्रिलियन एड्रेसेस। अप्रोक्सीमेटली इतने ज्यादा एड्रेसेस बन सकते हैं इससे। सो यहां पे हमें सिस्टम्स को आईपी अलॉट करने में कमी महसूस नहीं होगी, केवल इस वजह से IPv6 को इंट्रोड्यूस करा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, टाइप्स ऑफ आईपी। आईपी कितने टाइप्स की होती है तो वो हम समझने वाले हैं। पहले इन दो टॉपिक्स को देखते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ये दो आईपी जो है ये क्या होती है, क्या इनमें डिफरेंस है। पब्लिक आईपी जो हमने देखा कि ISP ने ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड कराई थी, जो हमारी सिम के पास होती है। अगर हमारे मोबाइल में हमने हॉटस्पॉट ऑन किया और जो बाकी डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं, जो नेट चला रहे हैं, तो आईपी कभी उनकी नहीं जाएगी। आईपी जाएगी हमारे डिवाइस की, क्योंकि वो ही पब्लिक आईपी है। उसके इंटरनल जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं वो लोकल आईपी पे जुड़े हुए हैं। पब्लिक आईपी वो आईपी होती है जो ऑल ओवर इंटरनेट सबको दिखाई देगी। जैसे हमारा पैन कार्ड नंबर है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम कहीं भी अप्लाई करेंगे, कहीं भी लगाएंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है। हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी है, वो जहां भी लिया जाएगा पहचान सकते हैं कि हाँ भैया इसका नाम लिया जा रहा है। बट अगर हमारा निक नेम की बात करें, जो घर में लिया जाता है, तो केवल उस एरिया में ही वो सीमित रहता है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट आईपी। प्राइवेट यानी उस एरिया में ही उसको जाना जाता है, उस एरिया के बाहर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी एक राउटर से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम्स थे उनकी जो भी आईपी थी 192.168, कभी भी ये सिस्टम्स की आईपी बाहर नहीं जाएगी। हमेशा इंटरनेट पे वाइड एरिया नेटवर्क में जो आईपी शो होगी वो होगी पब्लिक आईपी। नेक्स्ट, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी क्या होता है? फ्रेंड्स, स्टैटिक आईपी वो आईपी होती है जो एक बार अगर अलॉट कर दी जाती है तो वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। यानी अगर मेरे सिस्टम की आईपी आज है 142.168.29.29, तो ये आईपी फिक्स रहेगी। कल, परसों, नेक्स्ट डे, 1 वीक बाद, 1 ईयर बाद ये आईपी फिक्स रहेगी। तो स्टैटिक आईपी क्या यूज आती है? जब हम अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, या जब हम चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट होस्ट हो रही है, जब एक डोमेन मिल रहा है, आईपी को एक नाम मिलता है, जब जिसको डोमेन नेम कहते हैं, तो उसकी आईपी फिक्स होती है। जस्ट बिकॉज हम नहीं चाहेंगे कि कोई रेगुलर हमारी आईपी चेंज हो और किसी को हम तक आने में प्रॉब्लम हो। ये हमारे घर के एड्रेस की तरह है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा घर का एड्रेस अलग हो। अगर आप लोग आ रहे हो तो आए दिन नए एड्रेस मेरे को आपको बताना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है, और इससे मेरा ट्रैफिक कम होगा जो वेबसाइट पर आएगा। तो इसलिए हम स्टैटिक आईपी मांगते हैं, हमें स्टैटिक आईपी दी जाती है। डायनेमिक आईपी क्या होती है? वो आईपी जो हमें अभी हमारे डिवाइसेस में अलॉट हो रही है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हमें स्टैटिक आईपी की जरूरत इतनी नहीं है। एक नॉर्मल यूजर को स्टैटिक आईपी की इतनी जरूरत नहीं है। हमारे डिवाइसेस में जो हमें आईपी अलॉट होती है वो डायनेमिक आईपी होती है, वो लगातार चेंज होती है। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो आईपी चेंज हो जाती है, और उससे पहले अगर कोई भी बीच में हर्डल आए, कोई भी बीच में रुकावट आती है, तो अभी वो आईपी चेंज हो जाती है। लाइक अगर आपने अपना एयरप्लेन मोड ऑन करा है, आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करा है, आपने अपनी सिम स्विच करी है, तो उस केस में भी जो हमें आईपी है वो नहीं असाइन हो जाती है, ताकि ये जो आईपीज हैं ये सबको असाइन हो सके टाइम टू टाइम। अगर कोई सिस्टम कोई यूज नहीं आ रहा है, बंद पड़ा है, तो उसको आईपी मिली हुई रखना बेवकूफ़ी है। आईपी की हमारे पास पहले ही कमी थी, IP6 के बाद इतनी नहीं रही है, बट जब हमें यूज ही नहीं है स्टैटिक आईपी का, तो स्टैटिक आईपी हमें नहीं दी जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। पोर्ट्स का क्या रोल है नेटवर्किंग के अंदर? तो इसको समझने के लिए एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि एक सिस्टम को जब दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, कोई भी फाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मान लीजिए इसकी आईपी थी 192.168.1.28 एंड इसकी आईपी थी 192.168.1.29। सो इन दोनों सिस्टम को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बट ये जिस भी प्रोटोकॉल का यूज लें, TCP के जरिए करें चाहे UDP के जरिए करें, इनमें कुछ रूल्स है जो इन्हें फॉलो करने होते हैं, जो कि पोर्ट डिसाइड करता है। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है किस रास्ते से जा रही है। अब यहाँ पे खूब सारे रास्ते हैं, अब मेरे को केवल एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करना था। मान लीजिए मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट भेजो, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं, इनको गली नंबर समझ सकते हैं अपन। अब इसको समझने के लिए दो लाइव एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड का घर है और ये मेरा घर है। अगर मेरे फ्रेंड को मेरे घर पे आना है तो वो किसी ना किसी रास्ते से आएगा। उसको मेरा घर का एड्रेस पता होगा, उसको पता होगा मेरे घर की गली नंबर क्या है। वैसे ही ये सिस्टम्स भी काम करते हैं। ये फ्रेंड जो आएगा, ये जो भी एड्रेस है, जो भी गलियां जा रही है, जिस हिसाब से इसको लेके आ रही है, उस हिसाब से आएगा।
और यहाँ इंटरनेट पे भी जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किसी न किसी पोर्ट पे होगा, यानी किसी न किसी रास्ते पे होगा। और पोस्ट के कुछ रूल्स हैं, क्या कि अगर मैं पोर्ट नंबर 28 पे सुन रहा हूँ तो आप पोर्ट नंबर 28 पे ही बोलेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि जब ये दोनों फ्रेंड्स मिल रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं फ्रेंड्स, तो अगर मैं मान लीजिए इस गली का नंबर है 80, तो अगर मैं गली नंबर 80 पे खड़ा हुआ यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ और वो यहाँ पे गली नंबर 443 से आ जाता है, तो क्या मिल पाएंगे? हम नहीं मिल पाएंगे, हमारा कोई कम्युनिकेशन सेटअप ही नहीं होगा, हम दोनों को जो भी काम था वो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों सिस्टम जिनके पास अपनी अपनी आईपी है, अगर इन दोनों को एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो एक सेम पोर्ट पे करनी पड़ेगी। तो आइए इसके बारे में कुछ और चीजें समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी होती है। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होती है 65535, 65535 पोर्ट्स होती है टोटल, जिसके अंदर इनके कुछ स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स क्या बताते हैं, जब हम नेटवर्किंग स्कैनिंग करते हैं तो हमें एक पोर्ट के कुछ स्टेट्स दिखते हैं, या तो वो ओपन या वो क्लोज्ड या वो फिल्टर दिखती है। इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं कि मान लीजिए हमारा घर है, तो या तो उसका दरवाजा खुला होगा कि कोई भी अंदर आ सकता है, या उसका दरवाजा बंद होगा कि कोई अंदर नहीं आ सकता है, उसका दरवाजा लॉक होगा कि जब तक किसी के पास चाबी नहीं है कोई अंदर नहीं आ सकता। सो ये होती है पोर्ट्स की कुछ स्टेट्स। नेक्स्ट थिंग जो है वो वेल नोन पोर्ट्स क्या होता है, यानी 0 से लेकर 1023 तक जो नंबर ऑफ पोर्ट्स है ये वेल नोन होती है। इसमें पता होता है कि ये पोर्ट्स कौन यूज कर रहा होगा बाय डिफॉल्ट, लाइक 80 जो है वो HTTP यूज करता है, 443 जो है वो HTTPS यूज करता है। तो ये वेल नोन पोर्ट्स है, ये डिफाइंड है कि इसको यही यूज कर रहे होंगे, यही सर्विसेज यूज कर रही होगी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोर्ट्स, 1024 से लेकर 49151 तक जो पोर्ट्स हैं उनको रजिस्टर्ड पोर्ट कहा जाता है, यानी वो जो पोर्ट्स हैं वो किसी ना किसी सिस्टम के लिए रजिस्टर्ड है, किसी ना किसी सर्विस के लिए रजिस्टर्ड है, उन पे केवल वो ही काम करेंगे। एंड 4915 से लेकर 65535 जो लास्ट था, ये जितनी भी पोर्ट्स होती है ये डायनेमिक होती है, ये बेसिकली किसी को भी अलॉट करी जा सकती है, किसी भी यूज में आ सकती है, इन पोर्ट्स को डायनेमिक पोर्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमने देखा कि हर सर्विस किसी ना किसी पोर्ट पे रन कर रही है, तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट सर्विसेज है और बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। पोर्ट नंबर 20 ये किस प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेट कर रही है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या तो वो TCP होगा या वो UDP होगा, या वो वाइड एरिया नेटवर्क में हो रहा है या फिर वो वाइड हो रहा है, तो प्रोटोकॉल तो TCP UDP ही रहेगा, बट सर्विस क्या है, ये FTP डेटा के शेयरिंग के लिए, बेसिकली FTP डेटा की जो सर्विस है वो यूज कर रही है पोर्ट नंबर 20 को। और ऐसे ही जो हम HTTP यानी वेबसाइट चलाते हैं, तो HTTP जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 पे, यानी HTTP सर्विस पोर्ट नंबर 80 पे चलती है। प्रोटोकॉल तो इसका TCP ही रहेगा, बट सर्विस जो है वो HTTP रहेगी। और HTTPS जैसे ही एक HTTP वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट ऐड कर दिया जाता है तो वो HTTPS हो जाती है। और ये जो SSL सर्टिफिकेट है, ये जो सर्विस है, ये पोर्ट नंबर चलती है 443 पे, एंड कम्युनिकेशन जो इनका प्रोटोकॉल है वो TCP ही रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सर्विस है वो SSL है। तो ऐसे ही कुछ सर्विसेज है जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स पे ही चलती है। OSI versus TCP IP मॉडल, यहाँ पे हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं OSI versus TCP IP मॉडल के बारे में, क्या क्या है देख लेते हैं। पहली चीज हम सीख, व्हाट इज OSI मॉडल, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज TCP IP मॉडल, हाउ इट वर्क्स, एंड OSI versus TCP IP मॉडल। तो आज हम ये टोटल यहाँ पे 5 चीजें सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक जो हमारा है, व्हाट इज OSI मॉडल, OSI मॉडल क्या है। तो पहले इन पॉइंट्स को देखते हैं, बाद में इन चीजों को क्लियर करेंगे। OSI का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, डिफाइंस फंक्शंस करता है। ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये टोटल 7 लेयर्स में इसने कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन में। यानी जब दो सिस्टम को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता था कंप्यूटर नेटवर्किंग में, तो अब वो OSI मॉडल को फॉलो करके कम्युनिकेशन करते हैं, बिकॉज ये एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन को सेट करता है। एंड यहाँ पे ये जो 7 लेयर्स है ये वो स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन में इसकी हेल्प कर रही है। तो इसका मतलब है कि OSI मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो हमें कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रहा है 7 लेयर्स के अंदर, जिसकी मदद से हम दो सिस्टम्स के बीच में एक स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन सेट कर सके। एंड इसको हमेशा बॉटम टू अप रीड करा जाता है, यानी जो OSI मॉडल है ये बॉटम टू अप काम करती है। तो ठीक है, हम इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, ये OSI मॉडल है हमारे पास पूरा, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है, OSI मॉडल कैसे काम करते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 7 लेयर्स हैं। ये जो 7 लेयर्स हैं
जिसमें हमारे पास है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये जो टोटल 7 लेयर्स हैं, ये 7 लेयर्स हमारे नेटवर्किंग में हेल्प करती है। कैसे करेगी आइए देखते हैं। ये जो सबसे पहली लेयर है फिजिकल लेयर, जिसको हम बॉटम टू अप रीड कर रहे हैं क्योंकि, तो ये जो लेयर है ये क्या काम करती है, ये बिट स्ट्रीमिंग का काम करती है। ये जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी बिट स्ट्रीमिंग में हमारी हेल्प करती है। डेटा लेयर क्या करेगी, डेटा लेयर्स जो भी एरर जनरेट हो रही है उन पे काम करेगी। नेटवर्किंग क्या करेगा, ये एड्रेस रिजोल्यूशन करता है, यानी ये फाइंड करेगा जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, जो एड्रेस है सोर्स आईपी है डेस्टिनेशन आईपी है, सोर्स एड्रेस है डेस्टिनेशन एड्रेस है, उस पर काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर हमें अक्नॉलेजमेंट देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर हमें बताएगा कि ये जो पैकेट है ये वहाँ ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बदले में जो रिप्लाई है जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमें बताएगा। सेशन लेयर क्या करेगी, बेसिकली सेशन लेयर जब दो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में एक सेशन क्रिएट होता है, वो सेशन कनेक्टेड रहे उसमें सेशन हेल्प करता है। सेशन लेयर क्या करेगी कि वो नेटवर्क अभी भी कनेक्टेड है कि नहीं है, वो सेशन अभी भी एक्टिव है कि नहीं है, और अगर एक्टिव नहीं है तो रिकनेक्ट करेगी, वो जो सेशन कनेक्ट हुआ है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, एक ऑथेंटिकेट पर्सन ही उससे कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ये डेटा मैनिपुलेशन करता है, लाइक ये डेटा को इनकोड करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, जिप फाइल में कन्वर्ट करेगा यानी कंप्रेस करेगा। सो ये जो भी प्रोसेस होता है ये प्रेजेंटेशन लेयर करती है। एप्लीकेशन लेयर, ये जो हमारी हाई लेवल लेयर होती है, ये एप्लीकेशन लेयर हमें रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करती है। सो अब काम कैसे हो रहा है, मान लीजिए एक क्लाइंट ने कोई डेटा को ट्रांसफर करा, तो जब उस क्लाइंट ने इस डेटा को यहाँ से ट्रांसफर करा है तो जैसे ही सर्वर के पास जाएगा तो वो डेटा डाउन टू अप रीड होगा, यानी सबसे पहले फिजिकल लेयर अपनी बिट स्ट्रीमिंग का काम करेगी, डेटा लेयर अपना काम करेगी, नेटवर्क लेयर काम करेगी, फिर ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। ये पूरा प्रोसेस जो है ये डेटा की शेयरिंग को लेके और डेटा को जो एक्सेप्ट कर रहा है उन दोनों के बीच में OSI लेयर फॉलो करी जाती है, ताकि जो डेटा आ रहा है या जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ये प्रॉपरली ट्रांसफर हो, पूरा ट्रांसफर हो, सिक्योरली ट्रांसफर हो। सो ये सारे काम OSI मॉडल देखती है। OSI मॉडल की वजह से हमारा जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है वो इजी गोइंग हो रहा है। नेक्स्ट चीज है कि व्हाट इज TCP IP मॉडल। TCP IP मॉडल क्या है, TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP IP मॉडल हमारे लिए क्या हेल्प कर रहा है, कुछ पॉइंट्स देखते हैं बाद में उसको समझेंगे। OSI मॉडल का एक वर्जन है ये, ओके 4-5 लेयर्स में बटा हुआ है, एंड ये प्रैक्टिकल मॉडल है जो कि वैन में काम करता है। तो इसको देखते हैं ये हो क्या रहा है। बेसिकली TCP IP मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो OSI का प्रैक्टिकल वर्जन है, वो एज सेम एज OSI काम कर रहा है, बस उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क में, जिसमें या तो 4 लेयर्स हैं या 5 लेयर्स हैं। यानी TCP IP मॉडल जो है वो दो पास में बटा हुआ है, एक 4 लेयर मॉडल है, एक 5 लेयर मॉडल है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, जो 4 लेयर मॉडल है वो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क में फॉलो करा जाता है, जिसमें हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो हम OSI मॉडल में करते थे, बट यहाँ पे बस 4-5 लेयर्स हैं और ये प्रैक्टिकल यूज हो रहा है ओवर वैन में। नेक्स्ट जो है ये TCP मॉडल है 4 लेयर एंड ये 5 लेयर मॉडल है। तो इन दोनों में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, 4 लेयर्स में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं और 5 लेयर्स में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये जो हमारा 4 लेयर मॉडल है, यहाँ पे सबसे पहली एप्लीकेशन लेयर जो कि वहाँ OSI मॉडल में जो थी उसी की तरह काम कर रही है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इंटरनेट, देन नेटवर्क एक्सेस लेयर। एंड यहाँ पे जो 5 लेयर मॉडल है, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ये जो दो लेयर्स है लास्ट की, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ये दोनों यहाँ पे कंबाइन कर दी गई है नेटवर्क एक्सेस लेयर में। 4 लेयर मॉडल जो है वो बेसिकली ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, वो ग्लोबली यूज करा जा रहा है। OSI वर्सेस TCP IP मॉडल, तो यहाँ पे हम देखेंगे TCP IP मॉडल OSI में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो हमने देखा OSI में 7 लेयर्स डिफाइन हो रखी है, यहाँ पे OSI में जो 7 लेयर्स डिफाइन हुई है और TCP में 4 लेयर मॉडल जो है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो लेयर्स हैं इन्हीं लेयर्स को इस 4 लेयर मॉडल में कंबाइन करा गया है। तो स्टार्टिंग के जो 3 लेयर्स हैं हमारी, ये एप्लीकेशन लेयर में कंबाइन हो रखी है, देन ट्रांसपोर्ट इसके अंदर, नेटवर्क है इंटरनेट लेयर के अंदर, एंड डेटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर जो है वो हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर में कंबाइन कर रखा है। तो ये जो सारी लेयर्स हैं इन्हीं लेयर्स को कंबाइन करके TCP IP मॉडल बनाया गया है, जो कि प्रैक्टिकली यूज आ रहा है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में। सो TCP IP मॉडल हमारा प्रैक्टिकल यूज आ रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है, OSI मॉडल की सारी फंक्शनिंग TCP IP मॉडल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा TCP वर्सेस OSI मॉडल का डिफरेंस। प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग्स, जो कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का एक बहुत जरूरी पार्ट है। तो आज हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं, यहाँ हम टोटल 5 पॉइंट सीखने वाले हैं। व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, हाउ TCP वर्क्स, TCP 3-way हैंडशेक एंड TCP वर्सेस UDP।
तो ये पांच चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए मैं पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? पॉइंट्स जो हमने यहाँ लिखे हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स है, सेट ऑफ रूल्स हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड, डिवाइस कम्युनिकेशन। तो क्या है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या काम आते हैं? जब दो डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उन दोनों डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए कोई सोर्स चाहिए, तो उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं? ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि बताते हैं कि डेटा ट्रांसमिट कैसे करा जाएगा, हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड। ये सेट ऑफ रूल्स हमें बताएंगे कि डेटा कैसे ट्रांसमिट करना है, उसकी क्या इंक्रिप्शन फॉर्मेट रहेगा, उसको जो भी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है वो ये फॉलो करवाएंगे हमसे, और ये बेसिकली हमारी मदद करेंगे डिवाइस कम्युनिकेशन में। सो दो डिवाइस जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो प्रोटोकॉल्स ही यूज होते हैं। प्रोटोकॉल्स ही वो सोर्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ले जाएगा, वही बताएगा कि किस पोर्ट पे डेटा आना है या जाना है। सारे रूल्स प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जो TCP IP मॉडल था फोर लेयर, उसके बिहाफ पे हमने प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर, जिसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो है टेलनेट, SMTP, POP3, FTP, NTP, STTP, SNMP, DNS, SSH। तो ये जो स्टार्टिंग के जो प्रोटोकॉल्स हम देख रहे हैं ये सारे एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर आते हैं, यानी ये जो प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर वर्क करते हैं। सेकंड है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं? UDP एंड TCP। बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स, TCP एंड UDP के ही जरिए जो ट्रांसपोर्ट है वो सक्सेसफुल होगा। जो प्रोटोकॉल है शेयरिंग प्रोटोकॉल है, TCP UDP ही होगा। इंटरनेट लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स आते हैं वो है हमारे IP, ICMP, ARP, DHCP। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे आते हैं इंटरनेट लेयर के अंदर। एंड उसके बाद हमारे पास जो फाइनल लेयर है वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसके अंदर हमारे पास आएंगे इथरनेट, PPP एंड ADSL। सो ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं ये हमारे TCP/IP मॉडल के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम TCP क्या है और TCP काम कैसे करता है। TCP के पास टोटल 6 फ्लैग्स होते हैं। TCP के पास टोटल 6 फ्लैग्स हैं। ये वो 6 फ्लैग्स हैं, और कौन सा फ्लैग क्या यूज आता है, किसके जरिए TCP बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये प्रोटोकॉल्स के अंदर कुछ फ्लैग्स हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अर्जेंट फ्लैग। ये क्या काम करता है? डेटा कंटेंट इन द पैकेट शुड बी प्रोसेस इमीडिएटली। ये फ्लैग बोलता है कि इस पैकेट के अंदर जो डेटा आ रहा है अगर उस पैकेट में अर्जेंट फ्लैग है तो इस पैकेट पे अर्जेंटली काम होना चाहिए, इसकी जो प्रायोरिटी है ये हाई है। फिनिश ये क्या करता है? ये बोलता है कि देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन, यानी ये बता रहा है कि अभी जो हमने कम्युनिकेशन सेटअप किया था किसी फाइल को शेयर करने के लिए, वो फाइल शेयर हो चुकी है, तो इस कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाए। फिनिश, हमारा काम खत्म हो गया है। नेक्स्ट है RST, रीसेट। ये क्या बोलता है? रीसेट अ कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है इसको रीसेट करा जाए। उसके बाद हमारे पास पुश फ्लैग आता है PSH, जो कि हमें बताता है सेंड ऑल बफर डेटा इमीडिएटली, यानी जो भी बफर डेटा बचा है उसे जल्दी से सेंड कर दो ताकि हम कनेक्शन क्लोज कर सके। ACK, एक्नॉलेजमेंट। ये क्या करता है? जो हमारे पैकेज हम शेयर कर रहे हैं या जो भी हम रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं वो पैकेज वहाँ पहुँचने के नहीं पहुँचे उसका एक्नॉलेजमेंट हमें प्रोवाइड करता है। एक्नॉलेजमेंट द रिसीप्ट ऑफ द पैकेज। सिंक्रोनाइजेशन। सिन क्या करता है? एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। सिन पैकेज के जरिए ही एक कनेक्शन इस्टेब्लिश की रिक्वेस्ट शेयर करी जाती है। तो ये हमारे टोटल 6 फ्लैग्स है TCP के। आइए हम देखते हैं TCP काम कैसे करता है। TCP जो है बेसिकली वो 3-way हैंडशेक फॉलो करता है। 3-way हैंडशेक यानी तीन बार हाथ मिलाया जा रहा है। इसको अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ये काम कैसे कर रहा है आइए समझते हैं इसे। यहाँ हमारे पास बिल है और शीला है, इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। बिल को शीला से बात करनी है तो बिल TCP हैंडशेक फॉलो करेगा। कोई भी डेटा जब ट्रांसफर होता है तो उससे पहले हैंडशेक होना ज़रूरी है। जब एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा उसके बाद डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे बिल ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी है शीला की तरफ। बिल ने शीला को एक पैकेट भेजा है जिसके अंदर उसने सिन फ्लैग भेजा। यहाँ पे बिल ने एक सिन फ्लैग भेजा शीला से, बोला कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू शीला ऑन पोर्ट 21, आर यू ऑनलाइन, क्या आप हो यहाँ पे, आर यू ओपन। सो बिल ने शीला को पोर्ट नंबर 21 पे पूछा है, यानी अलग अलग रास्ते थे जैसा कि हमने पहले कुछ वीडियोस में समझा कि पोर्ट क्या होता है। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए बीच में एक रास्ता होता है, तो वैसे ही फिलहाल भी शीला से पूछ रहा है कि क्या पोर्ट नंबर 21 यानी गली नंबर 21 पे आप ओपन हो, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सिन पैकेट के जरिए इसने कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे शीला के पास। जैसे ही शीला को रिक्वेस्ट मिली तो शीला कह रही है
कि ओके लेट्स टॉक बिल, आई एम ओपन इन पोर्ट 21। तो शीला ने बिल को बोला कि मैं पोर्ट 21 पे ओपन हूँ, हम बात कर सकते हैं। और ये किस जरिए से बोला? सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज के, यानी कि आपका जो सिन यानी रिक्वेस्ट थी वो मेरे पास आ गई है और मैं इसका एक्नॉलेजमेंट आपको भेज रही हूँ कि मैं पोर्ट 21 पे ओपन हूँ, हम बात कर सकते हैं। देन बिल रिप्लाइड, बिल उसके बाद इस कनेक्शन को प्रॉपरली इस्टेब्लिश करने के लिए ये जो शीला का रिक्वेस्ट आया है ये जो शीला का रिस्पॉन्स आया है उसका रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट अकाउंटमेंट पैकेट के साथ, जिसमें वो बोल रहा है ओके थैंक्स शीला। सो यहाँ पे जैसे ही इसने लास्ट में दो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग्स भेजे हैं एक पैकेट के अंदर, उसी वक्त ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। और इस कनेक्शन के इस्टेब्लिश होने के बाद ये सेशन क्रिएट हुआ है जिसके अंदर जो भी डेटा है वो ट्रांसफर होता रहेगा। कब तक? जब तक TCP जो हैंडशेक इस्टेब्लिश हुआ है इसको तोड़ा ना जाए। अब वो कैसे कर सकते हैं, आइए उसे समझते हैं। तो आइए हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो TCP सेशन है इसे टर्मिनेट कैसे करा जाए, ये जो सेशन इस्टेब्लिश हुआ था अब इसे क्लोज कैसे करा जाए। तो इसका प्रोसेस भी बड़ा इजी सा है कि हमारे बिल ने जो शीला के साथ कनेक्शन बनाया था, जो इस्टेब्लिश हुआ था कनेक्शन, उसको अब तोड़ना है। कैसे? तो बिल बोलेगा आई एम डन विद डेटा ट्रांसफर, मैंने जो ट्रांसफर करना था डेटा वो ट्रांसफर हो गया है, तो आई एम डन नाउ। कैसे बोलेगा? फिन फ्लैग भेज के। सो बिल ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी जिसके अंदर फिन फ्लैग भेजा, जिसका मतलब है फिनिश, आई एम डन नाउ। देन शीला उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करेगी कि ओके मेरे को आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, ओके आई रिसीव योर टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, मेरे को आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है। कैसे करेगी? दो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का पैकेज जनरेट करके। देन शीला एक और रिप्लाई देगी कि आई हैव रिसीव्ड ऑल द डेटा, यानी शीला ने चेक किया कि आप जो डेटा मेरे साथ शेयर कर रहे थे मेरे साथ रिसीव करा है कि नहीं करा है। तो जैसे ही इसने सारा डेटा रिसीव कर लिया है, इसने बोला ओके आई रिसीव्ड ऑल द डेटा, एंड इसने भी यहाँ से फिन फ्लैग का पैकेट शेयर कर दिया है कि ओके मेरी तरफ से भी ये कनेक्शन फिनिश हो गया है। अब लास्ट सेक्शन बचता है केवल बिल का, जिसमें बिल उसको एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज के बोलेगा ओके देन दिस कनेक्शन इज कम्प्लीटली क्लोज नाउ। सो बिल इस कनेक्शन को कम्प्लीट क्लोज कर देगा, इसके बाद कोई भी सेशन क्रिएटेड नहीं रहेगा, यानी जो भी डेटा ट्रांसफर होना था वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसे फ्रेंड्स हमारा TCP जो है वो काम करता है। नाउ अब हमें ये देखना है TCP वर्सेज UDP, यानी TCP और UDP में क्या डिफरेंस है। TCP 3-way हैंडशेक फॉलो करता है, UDP 1-way हैंडशेक फॉलो करता है। TCP में जैसा अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एक सिन पैकेज जाता है, देन उस सिन का एक्नॉलेजमेंट आता है, देन एक्नॉलेजमेंट पैकेज जाता है, तब एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बस एक रिक्वेस्ट पैकेट आता है एंड देन रिस्पॉन्स आता है बस। सो यहाँ पे 1-way हैंडशेक है, यहाँ पे 3-way हैंडशेक फॉलो नहीं करा जाता, और ये वायर्ड नेटवर्क में होता है या वायरलेस नेटवर्क्स में होता है। वायर्ड नेटवर्क में TCP जो कम्युनिकेशन है वो यूज में आता है, TCP प्रोटोकॉल यूज में आता है। यहाँ पे UDP में एक ही रिक्वेस्ट जनरेट होती है और उसके बाद जो डेटा ट्रांसफर वो होता रहता है, ये वायर्ड नेटवर्क में होता है। डोमेन नेम एंड DNS जो कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का एक बहुत जरूरी पार्ट है। सो इसके बारे में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं वो समझ लेते हैं एक बार। आज हम टोटल चार चीजें सीखने वाले हैं। व्हाट इज डोमेन नेम, व्हाट इज DNS, रिकॉर्ड्स इन DNS एंड देयर यूज, एंड व्हाट इज जोन फाइल। सो हम ये चारों टॉपिक्स आज समझने वाले हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है व्हाट इज डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है। तो आइए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से समझेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है। नेम ऑफ IP ईजी टू रिमेंबर, एंड आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए तो इसको समझते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अपन वेबसाइट चलाते हैं, अपन इंटरनेट पर जाते हैं, अपन किसी भी डोमेन का नाम लिखते हैं, लाइक अपन लिखते हैं google.com, facebook.com, wscubetech.com। तो जब हम ये नाम लिखते हैं, तो जैसे ही हम ये नाम लिखते हैं तो वो एक सिस्टम तक जाता है, और सिस्टम से जरिए हम उसकी वेबसाइट जो होती है, जो सर्वर होता है, उसके जरिए हम उसकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो डोमेन नेम इसी यही नाम होता है जो हम लिखते हैं, google.com, facebook.com। अब ये डोमेन नेम जो है ये काम कैसे करता है, ये जो डोमेन था google.com ये काम कैसे कर रहा है। ये बेसिकली हर एक डोमेन एक IP से पिंग होता है, एक IP से कनेक्टेड रहता है। इसको बनाने का मकसद समझते हैं, डोमेन नेम क्यों बनाया गया, बिकॉज हम इतनी सारी जो डिजिट्स होती है, यानी ये जो 4 pairs ऑफ डिजिट्स होती है एक IP, जो कि थी 192.168.42.42। फॉर एग्जाम्पल ये IP है, तो हम ऐसी सारी IPs याद नहीं रख सकते, ये जो 4 pairs की एक वैल्यू है हम इसको प्रॉपर याद नहीं रख सकते। अगर हमें google.com जाना है तो हम ये IP लिख के नहीं जाएंगे। ऐसे ही काफ़ी सारे डोमेन्स हैं, मगर उनकी सबकी IP याद नहीं रख सकते। तो इसको ईजी रखने के लिए, ईजी टू रिमेंबर बनाने के लिए हमने डोमेन नेम को इंट्रोड्यूस करा, जो कि एक सर्वर की IP का नाम होता है। एक सर्वर है, उसकी जो भी IP उसका नाम हो गया। अब google.com जैसे ही हम लिखते हैं तो हम बेसिकली DNS सर्वर के जरिए गूगल IP पे ही जा रहे होते हैं, गूगल सिस्टम पे ही जा रहे हैं। पर डोमेन ने उस काम को आसान कर दिया कि हमें उस IP को अब याद रखने की जरूरत नहीं, हमें बस उस नाम को याद रखने की जरूरत है,
जो कि डोमेन नेम है। जैसे हमारे आधार कार्ड में हमारे नंबर को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारा नाम काफी है, हमारे नाम से सारी इन्फॉर्मेशन और सारे काम हो जाते हैं। जैसे ही किसी पोर्टल पर जाते हैं और वहाँ अपना नाम लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर, कुछ और डिटेल्स लिखते हैं, तो हमारा आधार नंबर दिखा देता है। ये भी कुछ वैसा ही है, जैसे ही हमें डोमेन पे रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो वो डोमेन ऑटोमेटिकली हमें उस आईपी पे रिडायरेक्ट कर देता है। तो ये तो था फ्रेंड्स डोमेन। नाउ व्हाट इज डीएनएस? एक डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म आपको बता दिया है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसको एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। ये ट्रांसलेट करता है डोमेन को आईपी में। अब इसको एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट क्यों कहा जाता है? अगर हमारे घर में एक फ़ोन बुक है तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है? किसी का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस। ये तीन चीज़ें तो कन्फर्म एक फ़ोन बुक में रखते हैं हम। तो ऐसे ही इसको एड्रेस बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक डोमेन और एक आईपी के बीच में जो भी रिलेशंस है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी एक फाइल में स्टोर करके रखता है जिसको कहते हैं जोन फाइल। और इन सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स के फॉर्मेट में सेव रखता है। यानी डोमेन और आईपी के बीच में जो भी रिलेशन है वो सारा डेटा यहाँ स्टोर होगा जोन फाइल के अंदर। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये उसको कलेक्ट करके रखता है, इसलिए उसको एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ताकि कोई भी डोमेन पे हम जाए तो वो हमें उसी आईपी पे पिंग करे। नाउ कैसे रिकॉर्ड्स डीएनएस में किस तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं और उनका क्या काम होता है, हम ये समझेंगे। तो सबसे पहला रिकॉर्ड हमारे पास है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड में क्या होता है, आइए देखते हैं। आईपी ऑफ डोमेन नेम, ये क्या बोल रहा है, डोमेन नेम की आईपी। एग्जैक्टली, ए रिकॉर्ड में एक आईपी आती है, वो आईपी जिसको हमें उस डोमेन से रिलेट कराना था, पिंग कराना था। यानी जैसे ही google.com लिखते हैं तो google.com किस आईपी पे रिडायरेक्ट होगा, वो आईपी बेसिकली ए रिकॉर्ड के अंदर स्टोर रहती है। देन आता है हमारा सी नेम, इसके अंदर क्या स्टोर रहता है, फॉरवर्ड डोमेन्स एंड सब डोमेन्स टू अनदर डोमेन्स। ये क्या करता है सी नेम, किसी भी डोमेन को या सब डोमेन को किसी दूसरे डोमेन में फॉरवर्ड कर देता है। सो ये बेसिकली हर वक्त यूज़ नहीं आता है, बट अगर हमें इसका यूज़ लेना हो तो हमें सी नेम के रिकॉर्ड में वैल्यू फिल करनी होगी। देन एमएक्स मेल सर्वर, ये क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा मेल को उसके ईमेल सर्वर पे। यानी मैं जो भी मेल करता हूँ, अगर मैं उसी डोमेन से कोई मेल कर रहा हूँ तो ये उसको सर्वर की तरफ रीडायरेक्ट करता है। टीएक्सटी रिकॉर्ड क्या होता है, एनी टेक्स्ट बाय एडमिन, इसके बारे में और समझते हैं। टीएक्सटी रिकॉर्ड बेसिकली एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, जिसमें जो ओपनली है, यानी एडमिन अपने डोमेन के बारे में इसके अंदर जो भी लिखना चाहे लिख सकता है। एसपीएफ रिकॉर्ड भी इसी के अंदर मेंशन कर देता है वो, और जो भी अलग इन्फॉर्मेशन वो बताना चाहता है, मेरा डोमेन क्यों बनाया गया, इसका क्या मोटिव है, किसी भी सेंस से, भले डिजिटल मार्केटिंग पर्पज से ही क्यों ना सही, बट टेक्स्ट रिकॉर्ड में वो कुछ भी लिख सकता है, कोई भी टेक्स्ट लिख सकता है। सो टेक्स्ट रिकॉर्ड एडमिन के द्वारा एडिट करा जाता है और उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। एनएस नेम सर्वर, नेम सर्वर ऑफ डीएनएस एंट्री, यानी नेम सर्वर्स होते हैं हमारी डीएनएस एंट्रीज के। अगर मेरा डोमेन है WsCubeTech.com तो उसका नेम सर्वर होगा ns1.wscubetech.com, ns2.wscubetech.com, तो ये नेम सर्वर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा SOA। SOA क्या होता है, एडमिन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ डोमेन। SOA रिकॉर्ड के अंदर बेसिकली एडमिन की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो डोमेन का एडमिन है वो होती है। लाइक जो रिपोर्टिंग अगर किसी को करनी है तो किसको जाएगी, info@admin.com, ये जितने भी डोमेन्स जो भी रिलेट करता है उस डोमेन से, एडमिन की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी SOA में शो होगी। SRV क्या करता है, स्पेसिफिक पोर्ट स्पेसिफिक सर्विस, यानी SRV मेंशन करता है कि किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन करेगी। हर एक को डिफाइन कर देता है कि ये सर्विस इसी पोर्ट पे रन करेगी। SRV ये काम करता है। PTR क्या करेगा, प्रोवाइड डोमेन नेम इन रिवर्स लुकअप, यानी जैसे ही हम एक डोमेन का रिवर्स लुकअप करते हैं तो वहाँ पे वो उसी डोमेन का नाम दिखाएगा, जो भी हम डोमेन का नाम इसमें डालेंगे वही डोमेन का नाम दिखाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स रिकॉर्ड्स हैं जो कि DNS सेव करता है, कहाँ पे करता है, अपनी जोन फाइल में। ओके, सो अब एक जोन फाइल क्या होती है, व्हाट इज जोन फाइल, जोन फाइल के बारे में कुछ और समझते हैं। अ टेक्स्ट फाइल ऑफ DNS, ये टेक्स्ट फाइल होती है DNS की। रिकॉर्ड्स ऑफ डोमेन इसमें स्टोर होते हैं। आईपी मैपिंग के काम आती है और ये नेम सर्वर से लिंक होती है। इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो जोन फाइल क्या होती है, बेसिकली जोन फाइल एक फाइल होती है एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर ये ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड और जितने भी बाकी के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर होते हैं। ये फाइल जो है ये दोनों के बीच का लिंक करने का जरिया है, यानी एक डोमेन और एक आईपी जो है
उन दोनों के बीच में लिंक यही करा रही है, यानी डीएनएस मैनेजर में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन सेव करी है वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी जोन फाइल के अंदर। इसके कुछ और खास बता दूं कि जो जोन फाइल है ये हर 4 घंटे में अपडेट होती है, जो कि हमें पता पड़ता है इसके टीटीएल से, टाइम टू लिव। ये हम जब स्कैनिंग करेंगे, जब इसको अच्छे से समझेंगे, जब हम एक आईपी स्कैन करते हैं, डीएनएस एन्यूमरेशन या डीएनएस स्कैन करते हैं, तो वहां पे हमें उसका टीटीएल दिखाता है जो कि बाय डिफॉल्ट 4 आवर्स का होता है। तो ये जो 4 आवर्स है इसका मतलब है कि जोन फाइल हर 4 घंटे बाद अपडेट होगी। यानी अगर हमने हमारे डोमेन की कोई आईपी चेंज करी है, उसको ट्रांसफर करा है एक जगह से दूसरी जगह, या कोई भी मेजर चेंज करा है, तो वो चेंज 4 घंटे बाद अपडेट होगा। तो ये जोन फाइल हमारी जो थी ये सारी इन्फॉर्मेशन रखती है, और जोन फाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक और ख़ास बात कि ये जो लिंक होती है नेम सर्वर से होती है, जैसे ns1.wscubetech.com। सो ये जो है नेम सर्वर, ऐसे ही एक नेम सर्वर से जोन फाइल लिंक रहती है। और जब हम आगे फ्यूचर में जोन ट्रांसफ़र कैसे होता है या जोन ट्रांसफ़र काम कैसे करता है वो समझेंगे, तब नेम सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहाँ पे। रिक्वेस्ट वर्सेस रिस्पॉन्स, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे टोटल 5 चीज़ें सीखने वाले हैं। वो क्या है? वॉट इज रिक्वेस्ट, वॉट इज रिस्पॉन्स, टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, कैप्चर अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, एंड अंडरस्टैंडिंग अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सो बेसिकली हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बारे में आज ये 5 चीज़ें सीखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, वॉट इज रिक्वेस्ट, एक HTML रिक्वेस्ट क्या होती है, तो उसके बारे में समझेंगे। पहले इन 2 पॉइंट्स को रीड करेंगे अपन। अ पैकेट आस्किंग टू लोड अ वेबसाइट, एक ऐसा पैकेट जो वेबसाइट से पूछ रहा है उसको लोड करने के लिए, इंक्लूडिंग गेट पोस्ट हेडर्स एंड बॉडी, जिसके अंदर गेट पोस्ट हेडर्स एंड बॉडी आएगी। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए एक बार अपन इस तरफ देखते हैं। ये एक क्लाइंट है, इस क्लाइंट को कोई भी साइट को एक्सेस करना है, इस क्लाइंट को WsCube Tech की साइट को एक्सेस करना है। तो जैसे ही ये क्लाइंट गूगल बार पे जाके लिखेगा WsCube Tech.com, जब कंप्लीट डोमेन लिखेगा, तो उसी वक्त एक पैकेज जनरेट होगा जिसके अंदर इसकी आईपी, जिसको सोर्स आईपी और कुछ चीजें हैं जो अपन यहाँ देखेंगे। एक ऐसा पैकेज जनरेट होगा यहाँ पे जो कि पूछ रहा होगा WsCube Tech से कि क्या मैं आपकी साइट को चला सकता हूँ। तो जब ये पैकेट जनरेट होगा जिसमें ये पूछ रहा है इससे कि क्या मैं आपकी साइट को चला सकता हूँ, इस पैकेट को हम रिक्वेस्ट कहते हैं। एक ऐसा पैकेट जो कि क्लाइंट सेंड करता है ये पूछने के लिए कि क्या मैं आपकी वेबसाइट चला सकता हूँ, उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। ये पैकेट क्या कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होती है और उसको कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ये बेसिकली एक कैच करी हुई रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट के अंदर हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें हैं, उनको समझेंगे कि क्या क्या है वो। ओके, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ गेट और उसके आगे URL है और उसके बाद HTTP का वर्जन है ये। तो ये जो गेट और URL HTTP का वर्जन है, यहाँ पे गेट की जगह क्या क्या आ सकता है और ये गेट क्या कह रहा था, ये बेसिकली मेथड है। एक रिक्वेस्ट को शेयर करने के मेथड्स होते हैं अलग अलग, गेट, पुट, पोस्ट, बॉडी, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, बहुत अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हमेशा मेथड बताया जाता है। गेट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो वैल्यू जा रही है वो URL में ही चली जाती है, यानी ये जो वैल्यू, जो भी डेटा जा रहा है वो URL में ही चला जाता है। तो ये /DOS से लेकर test.html तक URL है, उसके बाद हम HTTP का वर्जन दिख रहा है, एंड यहाँ पे ये होस्ट से लेकर ये जो कंटेंट लेंथ 35 लिखा है, ये सारे हेडर्स कहलाते हैं। हेडर्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज आ रही है और हर वैल्यू का कोई मतलब है। तो हम समझेंगे कौन कौन से हेडर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका क्या क्या मतलब, उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रही है। सबसे पहला है होस्ट हेडर, HOST होस्ट हेडर, जिसके आगे एक डोमेन लिखा है www.test101.com। तो जब इस क्लाइंट ने WsCube Tech के सर्वर से रिक्वेस्ट करा कि क्या मैं आपकी साइट को एक्सेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे होस्ट कौन था, WsCube Tech.com। जैसे ही इस क्लाइंट ने एक्सेस के करने के लिए परमिशन मांगी और एक रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो उस रिक्वेस्ट में जो होस्ट नाम का हेडर था उसके अंदर नाम लिखा हुआ आ गया WsCube Tech.com। उसके बाद उस हेडर के नीचे एक और हेडर आया एक्सेप्ट हेडर, जो कि ये बताता है कि ये रिक्वेस्ट जो जा रही है ये रिक्वेस्ट क्या क्या सपोर्ट कर सकती है। ये रिक्वेस्ट एक इमेज सपोर्ट कर सकती है जिसका एक्सटेंशन होगा GIF एंड JPEG। सो ये GIF एंड JPEG बोथ इमेज सपोर्ट कर सकती है।
उसके बाद है एक्सेप्ट लैंग्वेज जो कि ये बताएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। उसके बाद है एक्सेप्ट इनकोडिंग जो बताएगा कि कौन कौन सी इनकोडिंग जो रिक्वेस्ट है सपोर्ट कर सकती है, जो कि है यहाँ पे JZIP एंड डेफिनेट। उसके बाद आता है यूजर एजेंट। ये जो हेडर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडर है, इसके अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जाती है। फिलहाल यहाँ पे लिखा है Mozilla/4.0, तो ये है मोजिला का वर्जन। बट एक रियल रिक्वेस्ट में जब यूजर एजेंट हेडर जाता है तो काफी इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। वो बताएगा आपका ब्राउजर कौन सा है, आपके ब्राउजर का वर्जन कौन सा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, 64 बिट है, 32 बिट है, आप जो सिस्टम चला रहे हैं वो कौन सा है, विंडोज है, एप्पल है, लिनक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताएगा, नंबर ऑफ बिट्स भी बताएगा, ब्राउजर भी बताएगा और साथ ही साथ ब्राउजर का वर्जन भी बताएगा। यूजर एजेंट जो हेडर है हमारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके सर्वर तक पहुंचता है, यानी WsCube टेक के सर्वर तक जो रिक्वेस्ट जा रही है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद एक और हेडर है हमारा कंटेंट लेंथ, जो कि ये बताएगा कि इस जो कंटेंट है ये जो ऑल ओवर रिक्वेस्ट है इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 35। एंड यहाँ पे ये जो नीचे आप देख पा रहे हो ये है बॉडी पार्ट, इस बॉडी पार्ट के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। जब एक रिस्पॉन्स आती है तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्रामिंग आती है, जब एक रिक्वेस्ट जाती है तो जितने भी वैल्यूज होती है पैरामीटर्स होते हैं जो पोस्ट के जरिए ट्रांसफर कर रहे होते हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आती है। तो ये हमारी एक बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट है जो जनरेट होकर सर्वर तक जाएगी, केवल ये पूछने के क्या मैं आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्स क्या होती है, वॉट इज HTML रिस्पॉन्स। HTML रिस्पॉन्स को समझने के लिए एक बार हम इस पॉइंट्स को देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। पैकेज प्रोवाइडिंग परमिशन टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट, एक ऐसा पैकेट जो परमिशन दे रहा हो या रिप्लाई दिया हो जिसने बेसिकली उस रिक्वेस्ट का जिसमें वो कंटेंट या वेबसाइट को एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है, पैकेट जो कि आपको परमिशन दे रहा है कि आप उसके कंटेंट या वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। इंक्लूड करता है गेट पोस्ट हेडर्स बॉडी, और बॉडी में जो आता है वो है कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ दैट पेज। यानी हमने जब रिक्वेस्ट करा कि क्या हम WsCube Tech की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं तो एक रिक्वेस्ट पैकेज जनरेट होकर कहाँ गया, सर्वर पे, किसके, WsCube Tech के। देन WsCube Tech कोई रिप्लाई देगा, या तो बोलेगा आप नहीं एक्सेस कर सकते हो तो भी वो रिप्लाई होगा, और या फिर वो बोलेगा कि आप एक्सेस कर सकते हो तो भी वो रिप्लाई होगा। अगर वो बोलता है कि आप एक्सेस कर सकते हो तो जो रिप्लाई जनरेट हो रहा है उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, गेट पोस्ट बॉडी तो होगा ही होगा, बट बॉडी के अंदर WsCube Tech की जो वेबसाइट का कंप्लीट प्रोग्राम है, उस पेज का जो कंप्लीट प्रोग्राम है, वो कंप्लीट प्रोग्राम उस रिस्पॉन्स के अंदर होगा। और ये जो रिप्लाई भेज रहा है सर्वर, इस रिप्लाई को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे सर्वर ने जो ये भेजी है कि हाँ आप मेरी साइट एक्सेस कर सकते हो, इसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स, जो कि जाएगी क्लाइंट के पास, जिस रिस्पॉन्स के अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग होगी, तो क्लाइंट को अपने ब्राउजर पे जो WsCube Tech की पूरी वेबसाइट है वो दिख रही होगी। और अगर वो मना भी करता है कि नहीं आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कोई ना कोई कोड जा रहा होगा कि 400 कोड है या फिर 301 रीडायरेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ वेबसाइट में प्रोग्राम जा रहा होगा, जो भी जाएगा उस रिस्पॉन्स में वो उसको यहाँ उसके ब्राउजर पे शो होगा। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स थी फ्रेंड्स। अब हमने मेथड्स के बारे में समझा, तो आज आइए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड्स कितने हो सकते हैं, मतलब एक जो मेथड्स है जो मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट में गेट मेथड पोस्ट मेथड है, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। पहला गेट, इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफर थ्रू URL इजीली विजिबल एंड नॉट सिक्योर। जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो URL के जरिए ट्रांसफर होगा। URL क्या, जो हमारे ब्राउजर में ऊपर टैब होता है जहां पे हम जाके सर्च करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सो वहां पे जब हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसका डोमेन आता है, उसके आगे की डायरेक्टरीज आती है, उसी डायरेक्टरी में अगर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वहीं दिख रहा है कि एडमिन रिक्वेस्ट टू दिस एंड पासवर्ड रिक्वेस्ट टू दिस। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे एक लॉगिन पेज में अपना आईडी डाला, पासवर्ड डाला एंड सबमिट कर दिया, जैसे ही आप सबमिट करेंगे अगर आपको ऊपर URL में ही आपका आईडी पासवर्ड दिख रहा है, तो ये जो रिक्वेस्ट है ये गेट रिक्वेस्ट है, ये मेथड जो यूज हो रहा है ये गेट मेथड है। तो ये सिक्योर नहीं माना जाता है, बिकॉज जो भी आपका डेटा जा रहा है वो इजीली विजिबल है और वो URL के थ्रू जा रहा है, वो मैनिपुलेट भी हो सकता है। उसके बाद आता है हेड मेथड, इसमें क्या है, सेम एज गेट बट ट्रांसफर द स्टेटस लाइन एंड हेडर सेशन ओनली। ये बिल्कुल गेट जैसे ही काम करता है, बट ये केवल ट्रांसफर करेगा हेडर सेशन को और उसकी स्टेटस लाइन को, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन एक हेड मेथड में नहीं जाती है। थर्ड मेथड हमारे पास है पोस्ट। पोस्ट मेथड क्या है देखते हैं, सेंड्स यूजर इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स इन बॉडी टू सर्वर यूजिंग HTML फॉर्म्स। यानी HTML फॉर्म्स या किसी भी जरिए से जो डेटा इनपुट हो रहा है, जो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है,
उस रिक्वेस्ट में जो भी डेटा जा रहा है वो बॉडी पार्ट में जाएगा। ये गेट से ज्यादा सिक्योर माना जाता है क्योंकि गेट में सारा डेटा यूआरएल में जा रहा था, बट यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सब पोस्ट बॉडी में हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता जब तक वो उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट ना कर रहा हो, पढ़ नहीं रहा हो। और नॉर्मली अगर हम वेबसाइट चलाते तो हम उस रिक्वेस्ट को इजीली इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, हमें किसी टूल का यूज लेना पड़ेगा हमें, या फिर एडवांस कुछ ऑपरेशंस फंक्शंस का यूज लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास पुट मेथड। पुट मेथड क्या करता है? रिप्लेस ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज विद द अपलोडेड कंटेंट। यानी जो भी नया कंटेंट अपलोड हुआ है उस अपलोडेड कंटेंट से पुराने कंटेंट को रिप्लेस कर देता है, ये हमारा पुट मेथड करता है। उसके आगे कुछ और मेथड्स है लाइक डिलीट। डिलीट मेथड क्या करेगा? रिमूव्स ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज गिवन बाय यूआरएल। यानी एक यूआरएल ने जो भी इसको ऑपरेशंस दिए हैं उसके हिसाब से जो भी कंटेंट या जो भी चीजें होगी ये उसे रिमूव कर देगा। ऑप्शंस, ऑप्शंस मेथड क्या करेगा? डिस्क्राइब्स द कम्युनिकेशंस ऑप्शंस फॉर द टारगेट रिसोर्सेज। यानी ये ऑप्शंस दिखाएगा, मैं डिस्क्राइब करेगा जो भी ऑप्शंस हमारे पास है कम्युनिकेशन से एक टारगेट से कम्युनिकेट करने के लिए। ट्रेस, ट्रेस मेथड क्या करता है देखते हैं। परफॉर्म्स अ मैसेज लूप बैक टेस्ट अलोंग द पाथ टू द टारगेट रिसोर्सेज। बेसिकली जो भी हमारा टारगेट है उसकी जो रिसोर्सेज है उनका पाथ पता करने के लिए ट्रेस मेथड यूज में आता है। ये एग्जैक्ट पाथ बता देता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। कनेक्ट, कनेक्ट मेथड क्या काम करता है? एस्टैब्लिश अ टनल टू द सर्वर आइडेंटिफाइड बाय अ गिवन यूआरएल। यानी जब दो सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, डेटा शेयर कर रहे होते हैं, जब उनकी हैंडशेकिंग हो जाती है, तब कनेक्ट ऑप्शन जो है वो यूज आता है, जो कि उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, एक टनल बनाता है जो कि सर्वर से कनेक्ट हुई भी होती है। ओके, सो क्लाइंट और सर्वर के बीच में टनल बन गई है तो ये कनेक्ट मेथड कर रहा है। हम वायरशार्क के जरिए कैसे हमारे नेटवर्क में ट्रांसफर होते हुए डेटा को, डेटा पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, पैकेट को हम ढूंढ के कैसे निकाल सकते हैं कि कौन सा पैकेट किस जगह रखा हुआ है। जो भी पैकेट हमारे नेटवर्क में ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो रिक्वेस्ट के जरिए जा रहा हो चाहे वो रिस्पॉन्स के जरिए आ रहा हो, हम उन दोनों पैकेट्स को कैप्चर करके उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं वायरशार्क पे। बेसिकली वायरशार्क काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल मिल जाएगा आपको, अगर नहीं मिलता है तो मैं लैब सेटअप पार्ट में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कौन से टूल इंस्टॉल करना है। तो स्टार्ट करने के लिए वायरशार्क दो मेथड्स हैं। पहला हम सर्च बार में लिखे यहाँ पे वायरशार्क और इस पर एंटर प्रेस कर दूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा फॉर्मेट जो हम मेनली यूज लेते हैं वो हमारे टर्मिनल के थ्रू, यहाँ पे रूट परमिशंस दे देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मेरे को बस लिखना है वायरशार्क। वायरशार्क लिखती है, एंटर करती है, वायरशार्क स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जितने भी डिवाइसेस के नेम आ रहे हैं, लैन जीरो, एनी, लूप बैक, इथरनेट जीरो, ब्लूटूथ, ये डिवाइसेस के अंदर आपको आगे चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो मूविंग चार्ट है ये बता रहा है कि कहाँ पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे डेटा का फ्लक्चुएशन हो रहा है, कहाँ पे डेटा मूव हो रहा है। ये लैन जीरो हमारे वाईफाई स्टिक का नाम है, और जो भी कम्युनिकेशन हमारी इस वाईफाई स्टिक के जरिए हो रहा है, कोई डेटा आ रहा है या डेटा जा रहा है, जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम इसके अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है, जो भी डेटा आ रहा है, एआरपी रिक्वेस्ट आ रही है, या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रॉडबैंड जो एआरपी रिक्वेस्ट भेज रहा है हुइज करके, एंड यहाँ पे सारे पैकेट्स जो भी रिक्वेस्ट हो, जो भी रिस्पॉन्स हो, वो सब यहाँ कैप्चर हो रहे हैं। तो अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर एक साइट विजिट करते हैं। ओके, सो इस साइट पर मैं अपना एडमिन यूजर नेम बेसिकली एंड पासवर्ड एडमिन एट 123 सबमिट करता हूँ। सेव नहीं करूँगा मैं, बट मेरे को पता है कि ये जो पैकेट है ये वायरशार्क के जरिए कैप्चर कर लिया गया है। अब मेरा काम है इस पैकेट को ढूंढना और उसमें क्या क्या कैप्चर हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन मैं कैप्चर कर पाई हूँ वो देखना। तो अब मैं इसको यहाँ स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि बेसिकली वो पैकेट इसने कैप्चर कर ही लिया होगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैकेट दिख रहे हैं TCP के, ARP रिक्वेस्ट के, एंड जो भी मैं किसी भी सर्वर से रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट ले रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो सर्च करने के लिए हम बेसिकली दो ऑप्शंस हमारे पास, या तो हम फिल्टर यूज़ करें ताकि जो भी पैकेज से वो फिल्टर होकर हमें दिखे, जो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है फिल्टर में, इसमें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे स्ट्रिंग सर्च करेंगे और वहाँ पे हम एक ऐसी स्ट्रिंग लिखेंगे जो कि उस पैकेट में कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होगी, चांसेज होंगे कि वो वहाँ यूज़ हो रही है। तो हम लिख देते हैं PASS पासवर्ड का शॉर्ट फॉर्म, एंड ओके ग्रेट। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पैकेट था, जो हमने ID पासवर्ड डाला था एडमिन एंड एडमिन एट 123, वो दोनों हमें यहाँ पे विजिबल है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वायरशार्क बेसिकली पैकेट रीड कर रहा है और पैकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस IP से इस IP पे गया था। सोर्स IP थी हमारी, डेस्टिनेशन IP थी उस सर्वर की,
कंटेंट की टोटल लेंथ थी 589 एंड HTTP प्रोटोकॉल के जरिए बेसिकली ये गया है जहाँ पे हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि पोस्ट मेथड में गया है और पोस्ट मेथड में जो आईडी पासवर्ड गया है वो हम विजिट करके देख पा रहे हैं कि आईडी पासवर्ड क्या था। तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, हमने वायरशार्क के जरिए देखा है कि हम कैसे एक पैकेट को कैप्चर करके उसको पढ़ सकते हैं, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल शाम मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर हम एथिकल हैकिंग से रिलेटेड और चीज़ें देखेंगे। कल हम एथिकल हैकिंग का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक पार्ट देखेंगे, आज हम नेटवर्किंग कर रहे थे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ आपको जल्दी से पिंग होते रहे। थैंक यू।